नमस्कार, बीएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोरुंदा कस्बे की सबल बालिका शिक्षण संस्थान, जहां पर वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जहां पर माँ सरस्वती, गणेश जी और लोक साहित्य कलाकार विजयदान देथा की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच नरेंद्र दांडे था, वार्ड प्रधान संस्थान के लक्ष्मण सिंह देवल सहित बोरुंदा थानाधिकारी बाबूलाल राणा शानदार प्रदर्शन किया गया, नृत्य किया गया, जहां पर खूब दर्शकों के द्वारा तालियां बटोरी गई। वहीं समारोह में मेरठ से आए मोहम्मद ताज, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन एंकरिंग की। वहीं बालिकाओं ने राजस्थानी परिधान में एक से बढ़कर एक लोक गीत व राजस्थानी गीतों पर इनके कदम थिरके और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, अच्छा नृत्य किया, जहां पर उपस्थित विद्यार्थियों के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा तालियां की कतौत ध्वनि से उनका अभिनंदन किया गया। ये आप देख रहे हैं बोरुंदा कस्बे की सबल बालिका शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय के प्रांगण में जो वार्षिकोत्सव मनाया गया, उसमें उपस्थित छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम का मनोरम दृश्य देखकर तालियां बजाकर कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। नारी शक्ति हमारे बीच में उपस्थित है, मैं अमन बताना चाहूंगा। वही जो प्रतिभावान विद्यार्थी थे उनका नागरिक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर उनको प्रेरणा के रूप में अन्य बच्चों के प्रति एक शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर प्रेरित किया गया। वहीं समारोह में विद्यालय के स्टाफ सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड की छात्राएं, जिनका तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं, ये दो दिन का मेला है, कुछ ले चलिए कुछ ले चलिए, दिनों पर हुकूमत की है, अमर हो गए अपने लेखन की वजह से, अपने विचारों की वजह से और अपनी विलक्षण प्रतिभा की वजह से। तो आज के द्वारा उनके लगाए गए इस बीच को जो है समाहित पल में रंगीला राजस्थान जैसा माहौल तैयार किया, जहां पर कहीं न कहीं ये ऐसा माना जा सकता है कि शिक्षा के साथ साथ ऐसे समारोह का आयोजन होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों में एक शिक्षा के प्रति और प्रेरणा बढ़ती है, जिसे प्रणाम में भी निखार आता है, साथ ही विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। शिक्षकों द्वारा मेहनत के द्वारा निखारा जाता है। बेटियां और अपनी तबस्सुम हम पे लुटाती है, तबस्सुम मुस्कान अपनी तबस्सुम हम पे लुटाती है, बेटियां पिघलती है आंसू बन के माँ के दर्द से, तो रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटियां, सहती है जमाने भर की दर्द और गम, मगर सबको कहां बताती है बेटियां, बेटियां अपना दर्द बताती नहीं है, खुद ही बर्दाश्त कर लेती है कि बहुत बड़ी कुवत ईश्वर ने उनको दी है, बहुत बड़ी संवेदना ताकत धैर्य धीरता का पर्याय कि सहती है जमाने भर के दर्दों गम, मगर सबको कहां बताती है बेटियां, और सुबह की पाक अजान सी प्यारी लगे तो मंदिर के दिए की बाती है बेटियां। इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा मैं, हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विडंबना है मित्रों,
बच्चों, रिस्पेक्टेड गेस्ट, कि इस महान भारत में प्रति वर्ष लाखों बेटियां पेट में ही बह रहने के साथ कत्ल कर दी जाती है। भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा बिजनेस है। इस पे एक शेर कहना चाहूंगा मैं बड़े दर्द के साथ में, कि मारो न इनको कोख में, ये नाजुक सी जान है रब की, रजा से ही तो आती है बेटियां, और अभिशाप नहीं, ये वरदान है खुदा का, सोया हुआ नसीबा लगाती है बेटियां। शुक्रिया। यानी कि स्टूडेंट्स जो है बारहवीं की छात्राओं का मुंह मीठा कराकर और इनके ललाट पर जो है ना कुमकुम तिलक अंकित करके विदा इन्होंने किया है विधिवत तौर से। हालांकि दिनों से कोई किसी से विदा नहीं होता है। जूही मेला रजनी गंदा चंपा हर सिंदा बेटिया मन का वृंदावन नहता दे संसार बेटिया जिनके बिना ना कुछ भी जचता पक पक पर ए दुनिया वालों जिनकी शोभा धूमी करती। सीनियर की छात्राओं को तिलक लगाकर हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उनको अग्रिम बधाई दी गई। वहीं छात्राओं की ओर से श्री सबल शिक्षण संस्थान बड़ौदा की ओर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका स्वागत। कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया। जो बोर्ड की छात्राएं हैं उनको बोर्ड में महत्व परिणाम को लेकर संस्थान द्वारा मोटिवेट करने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जो जूनियर विद्यार्थी थे और सीनियर विद्यार्थी को तिलक कर निकाल कर हाथों ने रक्षा सूत्र बांधकर विदा किया गया। वहीं छात्राओं के चेहरे पर एक सफल दिखा। वहीं प्रतिभावान और होनार छात्राओं का द्वारा परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने पर संस्थान द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि अन्य विशेष अतिथि मेहमानों